जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल पहुंचे प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूबे के मुखिया ने चुनावी जनसभा में सपा पर करारा जुबानी हमला कर माहौल में गर्माहट पैदा कर दी है, जिससे मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का पारा अब सातवें आसमान तक पहुंच गया है। एक ओर समाजवादी पार्टी अपनी परंपरागत मैनपुरी लोकसभा सीट को अपने पास बनाए रखने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव जहां डोर टू डोर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में सेंधमारी कर सपा से यह सीट छीनने की भरपूर कोशिश में जुटी हुई है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर कस्बा करहल में उतरा, जहां भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह, जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान आदि ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी कार द्वारा नरसिंह यादव इंटर कॉलेज के सभा स्थल पहुँचे, जहां भाजपा के दिग्गज नेताओं से एसपी सिंह, बघेल ठाकुर, जगबीर सिंह, राम नरेश अग्निहोत्री, चेयरमैन संजीव यादव आदि ने उनका जोरदार स्वागत किया। नरसिंह यादव इंटर कॉलेज के चुनावी जनसभा में प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर गरजे। अंत में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को ऐतिहासिक जीत दिलाने की लोगों से अपील भी की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम बड़े आला अधिकारी पूरी तरह सजग नजर आए। भीड़ का अपार जनसमूह देख मुख्यमंत्री योगी सहित भाजपा नेता काफी खुश नजर आए। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी के आना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करहल की जनसभा में प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। आपने देखा होगा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मंत्र देश को दिया था, वास्तव में जो मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का, जिसमें विकास सबका, भेदभाव किसी के साथ नहीं लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। भाइयों बहनों, यही वह मंत्र है जो लोक कल्याण का माध्यम बन रहा है, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रहा है, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में उनके स्वावलंबन का आधार बन रहा है। आपने देखा होगा अगर किसी व्यक्ति, समाज, पार्टी की कसौटी की परीक्षा लेनी हो तो संकट के समय जो आपके साथी हो वही सच्चे साथी हो सकते हैं। कोरोना कालखंड इसका ऐतिहासिक उदाहरण है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन देने का काम भी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके विधायक यहां कोरोना कालखंड में यह हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको आपके पास आने की फुर्सत ही कहां। अपनी मित्र मंडली से जब फुर्सत हो तो आपका हाल चाल है, उनको तो वहीं से फुर्सत नहीं होती हो। जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ लाकर के आश्वस्त करिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी लोग, मैं आश्वस्त होकर के जाऊं भूत संभालेंगे, बिना भय के वातावरण में बूथ संभालेंगे, एक एक वोट कमर चुनाव चिन्ह पर जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, चुनाव है 5 दिसंबर को और 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में यह संभव नहीं कि एक एक बूथ पर हमारा प्रत्याशी जाए और एक एक घर में चला जाए, समय कम होता है। इसलिए मेरी आपसे अपील होगी 5 दिसंबर के अंदर अंदर आपको एक एक बूथ में एक एक मतदाता से अपील करनी होगी। करेंगे सभी लोग, करेंगे भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। कमल ही कमल मैनपुरी में दिखाई देगा ये आश्वस्त करते हैं। तो भाइयों बहनों, मैं भी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं,
सुरक्षा, मैनपुरी के विकास और समृद्धि का दायित्व भी हम लोग अपने हाथों में लेकर के यहां के एक एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप सबसे मेरी अपील है कि रघुराज सिंह साक्य को कमल चुनाव चिन्ह पर जब मतगणना होगी तो कमल ही कमल हर बूथ पर खिलना चाहिए। आप सहमत हैं? मेरे साथ भी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की।